अगर मिनरल्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मिनरल्स में कुछ है ऐसा यूजेस, तो मिनरल्स जिस एरिया में है वहाँ पर लगाइए फॉर्म। इस तरह से बच्चों रिक्वायरमेंट जो रहता वो काम किया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। उसके बाद लैंड तो आप ले लिए हैं, अब क्या आप खुद प्रोडक्शन कीजिएगा क्या? नहीं, तो उसके लिए आदमी चाहिए। तो आदमी चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? लेबर। लेबर क्या होता? पीपल हु विल डू द वर्क, ठीक है, आपके लिए जो काम करेगा वो लेबर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। तो जो बड़ा बड़ा प्रोडक्शन यूनिट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ बड़े बड़े लोग भी चाहिए ना, पढ़े लिखे। देखते हैं ना MBA कर कर के क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रोडक्शन यूनिट में एक 10th पास, एक ITI किया हुआ भी, MBA के रिस्पेक्ट में छोटा डिग्री है, वो भी काम कर रहा, ठीक है, और एक MBA किया हुआ भी काम कर रहा। तो दोनों का काम अलग अलग है, बोथ हैव डिफरेंट वर्क टू डू, है ना। MBA विल परफॉर्म देयर मैनेजमेंट वर्क, है ना, एंड दोज हु हैव डन डिप्लोमा और ITI, दे विल ऑपरेट मशीन्स, दे विल डू मैकेनिकल वर्क। दिस इज डिफरेंट, सबके हिसाब से काम बटा हुआ, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, तो भाई फिजिकल कैपिटल है क्या, ठीक है, फिजिकल कैपिटल है क्या, पहले तो ये पता चले। फिजिकल कैपिटल डेट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। डेट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, आपका जो वेराइटीज ऑफ इनपुट रिक्वायर है, तरह तरह के सामानों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपका कैपिटल है, अभी फिजिकल कैपिटल पे नहीं है। व्हाट आर द आइटम्स डेट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? अभी मैं सिर्फ कैपिटल, ये जो यहाँ पर डेट इज करके लिखा हुआ ना, वो सिर्फ कैपिटल बता रहा, फिजिकल कैपिटल नहीं। कैपिटल क्या? कैपिटल जो है आपका प्रोडक्शन के समय, है ना, ड्यूरिंग योर प्रोडक्शन, तरह तरह के चीज़ों का नीड जो होगा ना, वो आपका एक तरह का कैपिटल हो जाएगा। जैसे आप आइसक्रीम पार्लर वाला बात हम लोग कर रहे थे, मान लो कि आइसक्रीम पार्लर है, ठीक है, उसमें आपको अचानक ज़रूरत पड़ गया एक, चलो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके लिए आपको कूलर लगवाना है, ठीक है, बहुत गर्मी आ पड़ा है और गर्मी में काम हो नहीं रहा, तो वर्कर आपको बोले साहब कूलर लगवा दो, तो ठीक है चलो कूलर लगवा देता हूँ, तो आप कूलर गए लगवाने, ठीक है। तो जो कूलर हो गया उस समय का नीड हो गया, ठीक है। देखो नीड कैसे है, वो आपका प्रोडक्शन यूनिट कहीं एक्सपेंस में आएगा, क्यों? क्योंकि वो जो आप कूलर लगवा रहे हैं, ठीक है, आप अपना निजी, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लगा रहे हैं, निजी इस्तेमाल के लिए नहीं लगा रहे, अपने घर पे अपने मम्मी पापा के लिए नहीं लगवा रहे, वो फार्म हाउस में लगवा रहे हैं जहाँ प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पर आप लगवा रहे हैं। तो उसका जो एक्सपेंस आएगा ना, वो प्रोडक्शन यूनिट में ही काउंट होगा। तो वो किस तरह का टूल्स हो जाएगा, ठीक है, वो एक फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, एक फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप कूलर खरीद लिए तो क्या हुआ, एक ही बार गर्मी में चलेगा, एक कूलर लेते हो तो सालों साल काट देते हो यार, ठीक है। और लेबर लोग के लिए तो और कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी कूलर रहे, क्योंकि मैनेजमेंट हर एक साल आपको कूलर देगा नहीं खरीद कर, ठीक है। तो ऐसा होता है फार्म हाउस पे, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट पे। तो जो कूलर हो जाएगा वो आपका कैपिटल बन जाएगा फिक्स्ड कैपिटल के तौर पर, ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर यहाँ पर ऊपर से जहाँ पर छोड़े थे, यहाँ से। वॉट आर द आइटम्स डेट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सब फिजिकल कैपिटल है। क्या किया? टूल्स एक बार खर्च करोगे चलता रहेगा सालों साल, मशीन्स एक बार खर्च करोगे चलता रहेगा सालों साल, बिल्डिंग एक बार कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो फिर तो भूल जाओ, अगला कितने साल के बाद फिर वो तोड़ के नया बनवाओगे, या हो सकता है कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी उसी में काम कर ले, ठीक है। तो ये सब फिक्स्ड कैपिटल हो गया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड कैपिटल को वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कि एक बार खर्च होगा, बार बार नहीं, है ना। जहाँ एक बार खर्च हुआ डेट इज फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। आगे आओ, आगे पढ़ो। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच इज फार्मर्स प्लाव टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच इज जनरेटर टर्बाइन कंप्यूटर एट्सेट्रा। टूल्स
टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन फॉर ओवर मैनी ईयर्स। देखो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है बच्चों, ओवर मैनी ईयर्स, है ना। यहाँ पर वर्ड ओवर मैनी ईयर्स दिया है, इसको समझो ओवर मैनी ईयर्स, बहुत लंबे समय के लिए, है ना। ऐसा कोई भी चीज़ तुम खरीद रहे हो अपना प्रोडक्शन यूनिट में जो बहुत लंबे समय तक चलेगा, उसे बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि वो एक ही बार खर्च किया, बार बार तुमको खर्च उसके पीछे नहीं करना, एंड आर कोल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब जब फिक्स्ड कैपिटल खत्म होता है प्रोडक्शन में, तो दूसरा, ये पहला मतलब दूसरा इसेंशियल चीज़ है क्या चाहिए। फिर आता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल चाहिए, अब आपको आइसक्रीम बनाना है और आपके पास दूध मलाई केसर ये सब का व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर आइसक्रीम कैसे, बर्फ़ जमा कर दोगे तो फिर उसका डिमांड नहीं रहेगा मार्केट में, तो फिर आपका प्रोडक्शन होगा नहीं, ठीक है। डिमांड भी बनाए रखना है तो क्वालिटी देना है, तो क्वालिटी देने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आइसक्रीम के केस में दूध हो गया, मलाई हो गया, केसर, पिस्ता, जो भी वगैरह जितने तरह का वेरियंसेस आता है उसका टेस्ट के लिए, वो सारा रॉ मटेरियल हो गया। ये मैं आइसक्रीम का इंडस्ट्री का सिर्फ बात कर रहा हूँ। आप जिस तरह के इंडस्ट्री के लिए सोचोगे, वहाँ जो काम करना है जिस मटेरियल से, मान लो कॉपी का इंडस्ट्री है, ठीक है, तो कॉपी का इंडस्ट्री के लिए आपके पास रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, पेपर, ठीक है। पेपर जो बनता है जिस पर लिखते हो, क्लासमेट वाला पेपर, ठीक है, वो पेपर बनाने के लिए जो तुम्हारा पेड़ लगता है, ठीक है, पल्प लगता है, पेड़ लगता है, वो सब, ठीक है, पेपर पता है ना पेड़ से बनता है, ठीक है, पेड़ यूटिलाइज़ करते हैं पेपर में। अगर नहीं पता है तो अभी लेक्चर सुनने के बाद एक बार गूगल पे सर्च करना, है ना, हाउ पेपर प्रोड्यूसेस या व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पेपर, पढ़ना मजा आएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में ये हो गया, अगर पेपर इंडस्ट्री की बात करें। अब किताब पर आते हैं, किताब पर क्या लिखा हुआ, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच इज द यार्न्स यूज्ड बाय द वीवर्स। वीवर मतलब जो बुनने वाले हैं, उनके लिए यार्न चाहिए, है ना। एंड द क्ले यूज्ड बाय द पोटर्स, जो पोटर्स हैं, बर्तन कुम्हार जिसको बोलते हैं, मट्टी का जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनको, उनके लिए क्ले चाहिए, उनको क्या चाहिए, क्ले, मिट्टी, है ना। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। मान लो अब आप जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखे हो एक पोट का, ठीक है, मिट्टी का बर्तन बनाने का, ठीक है, तो अब आपके पास तो ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन बीच में पैसा भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा। मान लो कुछ चीज़ अचानक खरीदना पड़ गया तो फिर कहाँ, बैंक तो तुरंत आपको लोन देगी नहीं इंस्टेंटली। आपको पास, आपके पास पैसा होना चाहिए उतना सफिशियंट कि आप परचेज कर सको, इसलिए मनी चाहिए साथ में हमेशा, ठीक है। फिर देखो, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या, रॉ मटेरियल एंड मनी, आप फिक्स्ड कैपिटल खड़ा कर लिए, ठीक है, फिजिकल कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल आपके पास है, बिल्डिंग है, टूल्स है, सब है, लेकिन बिल्डिंग टूल्स है, ठीक है, लेकिन आपको जिस चीज़ के लिए काम करना है उसका रॉ चाहिए ना, रॉ मटेरियल, कि वो किस चीज़ से बनेगा। अब आइसक्रीम बनाना तो उसके लिए दूध मलाई मक्खन सारी चीज़ चाहिए। अगर आपका पास किसी और इंडस्ट्री का काम है, ठीक है, मान लो अगरबत्ती बनाना है या कुछ बनाना, मैं ये सब छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात कर रहा हूँ बच्चों, ये सब सब छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मान लो कि अगरबत्ती बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें सेंट चाहिए जो है, है ना, फ्रेग्रेंस चाहिए, फिर और भी तरह तरह की चीज़ उसमें जो यूज़ होते हैं वो सब चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। और मनी साथ में तुम्हारा पास चाहिए हाथ में, मान लो डेली लेबर को पेमेंट करना है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल, पैसा और रॉ मटेरियल दोनों को मिला दो तो वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, है ना। अनलाइक टूल्स, टूल्स मशीन जैसा, अनलाइक ये सब की तरह नहीं, दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, मशीन टूल्स की तरह वर्किंग कैपिटल काम नहीं होता, मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल की तरह वर्किंग कैपिटल काम नहीं करता। फिक्स्ड कैपिटल तुम्हारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है तुम्हारा ये डे टू डे खर्च है, ठीक है। फिर आगे देखो, देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब क्या है आगे, फोर्थ रिक्वायरमेंट भी, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज
योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। चलो अब आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपके पास ये सारा यूनिट, ऐसे नहीं, इस तरह समझो कि आप एक एम्प्टी माइंडेड इंसान हो, आपका पास कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ बुद्धि ही नहीं है करना क्या। अब आपको कोई ना फिक्स्ड कैपिटल लगा कर मशीन वगैरह खरीद कर दे दिया, बिल्डिंग जगह बना कर दे दिया, ठीक है, और आपको वर्किंग कैपिटल भी दे दिया, हाथ में रॉ मटेरियल और पैसा भी दे दिया, और आपको कुछ पता ही नहीं करना क्या, कैसे करना, तो फिर क्या वो कोई कैपिटल काम का? कुछ काम का नहीं, वो धरा का धरा ही रह जाएगा, उसका तो यूज़ कर पाओगे नहीं। तो यूज़ कब होगा? जब आपके पास नॉलेज होगा, आइडिया होगा, तब यूज़ करोगे। तो वो जो नॉलेज है और आइडिया है, ठीक है, नॉलेज है और आइडिया है, वो आप में कब आएगा? जब आपके पास क्रिएटिविटी हो, कुछ नया करने की चाह हो, इच्छा हो, वो कब आएगा? जब आप पढ़ोगे। और जैसे ही जो भी ह्यूमन बींग पढ़ा, पढ़ाई किया, वो बन जाएगा ह्यूमन कैपिटल। अब चाहे वो किसी भी चीज़ का पढ़ाई करे, चाहे वो ITI करे या MBBS करे, इंजीनियरिंग करे या किसी और बड़ा यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े, किसी तरह का भी पढ़ाई किया, ठीक है, वो बन जाएगा ह्यूमन कैपिटल। और किसी भी देश का ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा एसेट्स होता है किसी भी देश का ह्यूमन कैपिटल। हम और आप, मैं और आप, हम दोनों भी ह्यूमन कैपिटल हैं, ठीक है, मैं भी ह्यूमन कैपिटल हूँ अपने देश के लिए, और आप भी ह्यूमन कैपिटल बन रहे हो, है ना, क्वालिटी एजुकेशन लेके आप भी ह्यूमन कैपिटल बन रहे हो। कल होकर आप लोग भी अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन अपनाओगे, प्रोफेशन में आओगे, कोई एस्ट्रोनॉट बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई हो सकता है बिजनेसमैन बने, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई आर्मी में ऑफिसर बने, कोई IPS बने, कोई कलेक्टर बने, कोई वकील बने, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो ये सब आएगा ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है बच्चों। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि एंटरप्राइजेज और नॉलेज चाहिए, ठीक है, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट इधर टू यूज योरसेल्फ, ये सारा मिला के आपका प्रोडक्शन होगा। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, जो मैं लेक्चर बताया उसी का आगे वर्डिंग किया हुआ, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल वी सेल। लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट चैप्टर मीन्स जो सेकेंड चैप्टर इसका, उसमें सिर्फ हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या, ये चाचा जी जो हैं, अंकल जी मशीन चला रहे हैं तो मशीन हो गया, ये रॉ मटेरियल कुछ है, क्या पता क्या है, कॉटन वगैरह टाइप का कुछ होगा, तो नहीं, वीविंग का काम कर रहे हैं तो कॉटन ही होगा या जूट होगा, तो जूट हो या कॉटन हो ये बन जाएगा रॉ मटेरियल। चलो आगे आओ, यहाँ पढ़ो, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन में जितना फेज का जो जो कैपिटल्स यूज हो रहा है ना, जितने तरह का चीज हो रहा है ना, वो सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। सिर्फ आपको उस सारे वर्ड्स को सही जगह सेट कर देना, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाई कंबाइनिंग लैंड, जमीन लिए आप, लैंड लेबर लाए, लेबर फिजिकल कैपिटल में आपका जो जो मशीन वगैरह में इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, फिजिकल कैपिटल ठोस चीज, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज में, ठीक है, ये फिजिकल कैपिटल। एंड ह्यूमन कैपिटल, आप उसे जो ऑपरेट करने वाला मशीन चालक लाएं, मैनेजमेंट देखने के लिए जो बंदा को लाएं, वो सब किया ह्यूमन कैपिटल, है ना। अब जब तक आपके पास ये सारा चीज़ नहीं मिलेगा और साथ में एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को देखने के लिए नहीं रहेगा, तो प्रोडक्शन बढ़िया नहीं होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपका पास ये सब चीज़ इसेंशियल है, होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्शन हो पाएगा, ठीक है, ओके, तभी हो सकेगा। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। अब फिजिकल कैपिटल को हम लोग सिर्फ कैपिटल के नाम से आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर पे, ठीक है। अब आता है बच्चों फार्मिंग इन पालमपुर।
ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर में क्या, अभी हम लोग प्रोडक्शन का पढ़ें, अब फार्मिंग इन पालमपुर आएगा। चलो बच्चों, आज हम लोग सिर्फ एक ही सेक्शन करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फार्मिंग इन पालमपुर से। तब तक आप लोग ये सब और बेहतर तरीका से अपने बुक में पढ़ें, खोज के, और सोचें। इकोनॉमिक्स में सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि सोचें, कंडीशन बनाएं खुद से, हाइपोथेटिकल। देखो किताब में भी हाइपोथेटिकल दिया हुआ, मान लो ऐसा करते हैं, तो आप भी मान लो कि मैं पढ़ के एक बड़ा बिजनेसमैन बनता हूँ, तो ये सेटल करते हैं, वो सेटल करते हैं, अपना